हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। आज हम जानेंगे कि इसमें हम साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। रियलमी X3 के अंदर आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है, काफी अच्छा और काफी फास्ट काम करता है। तो उसको हम कैसे लगाने वाले हैं, कंप्लीटली ट्यूटोरियल है आपके लिए, आप देखते रहेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपने हमारी सकल या फिर हमारा चैनल पहली बार इंटरनेट पर कहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें यहाँ की तरफ लगता है, जो आपका पावर बटन रहता है वहां पे इसमें आपको फिंगरप्रिंट लगाना रहता है। आपको इसके अंदर डिस्प्ले भी देखने को नहीं मिलता और ना ही आपको यहाँ पे बैक में कहीं देखने को मिलता है, तो आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। तो इसको हम लगाने वाले हैं, जो काफी फास्ट एक नंबर है। मैंने इसको यूज किया है, ऐसे चलता है कि आप पूछो मत। तो ये फोन काफी बढ़िया लगा मेरे को। तो सिंपल सा हम इसके अंदर अब चलते हैं, इसको पैटर्न सेटअप करते हैं। और पैटर्न इस प्रकार से हम सेटअप करेंगे कि उसको हम यूज कर पाए एप्स लॉक के लिए भी और प्राइवेट सेव के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने फोन के साथ फिंगरप्रिंट सेटअप। ठीक है, ये नया फोन लेने के बाद आपको फिंगरप्रिंट सेटअप करना पड़ता है। और ये है रियलमी X3, तो इसके अंदर आप देखेंगे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है। तो हम इसको करने वाले हैं सेटअप, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। सिंपली हमको पहले चलना होगा सेटिंग्स के अंदर, तो हम पहले आ जाते हैं अभी सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड का ऑप्शन। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो आपको और देखने को मिलेगा एक ऑप्शन ऐड फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो ऐड फिंगरप्रिंट पर आपको क्लिक करना है। ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पैटर्न या पासवर्ड जो भी आप उसको कन्फर्म करा देना आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट पर अपना फिंगर या फिर आपका जो थंब रहता है वो आपको प्रिंट पेस्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ट्राई करता हूँ और ऑलमोस्ट मैं इसको कंप्लीट ही लगा दिया हूँ। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसको फिर थोड़ा सा और लगा देना है, नीचे का साइड रह गया है। ओके ओके, कंटिन्यू। तो ये हो गया हमारा डन। लेकिन हम इसमें मल्टीपल फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं और हम वो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमको ऐड ए फिंगरप्रिंट पे वापस से क्लिक करना होगा। और अब हम इस साइड का फिंगर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस पर लगाते हैं इसको फिंगर। ओके, तो यहाँ पे भी ये काफ़ी जल्दी ही इसको कैप्चर कर लेगा, कर लिया इसने कंटिन्यू करके, और थोड़ा सा रह गया उसको भी हम लगा देते हैं, डन। अगर आप इसके अंदर और फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहें तो ऐड ए फिंगरप्रिंट करके आप फिर से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं यहाँ से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्क्रीन ऑफ लाइट, तो इस पर आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेम टच ये कोई ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। उसके साथ साथ यहाँ से आप इनको रीड करना चाहें तो इसको आप रीड भी कर सकते हैं, कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह को। और यहाँ से आप देखेंगे यूज़ फॉर फिंगरप्रिंट, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ऐप लॉक और प्राइवेट सेफ के लिए भी आप अपने फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली अब हम यहाँ से एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट फॉर हिडन एप्स क्विक स्टार्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फिंगरप्रिंट को लगाएंगे अपनी फिंगर पे तो आपका जो हिडन ऐप रहते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, क्लियरली आपको समझ गया होगा कि आपके जो हिडन से ऐप अपने फ़ोन के अंदर आपने कर रखे हैं और अपने फिंगरप्रिंट से उसको एक्सेस करना चाहते हैं तुरंत, तो आपको बस फिंगर लगाना है और आपके हिडन ऐप्स ओपन हो जाते हैं। तो इसको फिलहाल हम थोड़ा रहने देते हैं ऐसे ही, बट कुल मिला के आप अपने फिंगरप्रिंट को ऐसे सेटअप करेंगे और साथ ही साथ इसमें आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं। तो इसी के तरीके से आप इसको करेंगे तो हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।